हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त हों, बिंदास हम जिंदाबाद होंगे। आज हम परसेंटेज के पार्ट नंबर 2 को देखने वाले हैं। यह सीरीज हमारी ए टू जेड मैथ सीरीज का पार्ट नंबर 22 होने वाला है, जिसमें परसेंटेज का पार्ट नंबर हम दूसरा करेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, ये आपका अपना चैनल है द ज्ञान सो एजुकेशन, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं और लास्ट में क्या करेंगे कि कुछ इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम देखेंगे। आज हम देखेंगे इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट इन इंक्रीज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, है ना। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ओके। जैसे सपोज करिए, अगर लिखा हो 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा, यानी कि बढ़ोतरी हो रही है। तो 14 सही 2/7% का मान क्या होगा? और नेक्स्ट लिखा हो 157, 157 सही 1/7%, तो क्या हो रहा? इसमें भी क्या हो रहा? इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे देखिए आप। 14 सही 2/7% का मान क्या होता है? फ्रैक्शन मान 1/7 होता है। कहने का मतलब, पहले तो 7 था, लेकिन 1 की क्या हो गई है? बढ़ोतरी हो गई है, यानी कि 7 से 8 हो गई। ओके, समझ में आया ना। अब 157 सही 1/7, इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा? अगर 100 ले लें, 100 का 1 हो जाएगा, प्लस 57 सही 1/7%, इसका क्या होता है? अगर 57 सही 1/7% क्या होगा? 4/7 होगा। इसको तोड़ देंगे, 100% प्लस 57 सही 1/7% में दो भागों में तोड़ देंगे, तो 100 का 1 हो जाएगा और 57 सही 1/7 क्या हो जाएगा? 4/7 होगा। यह हम पहले बता चुके हैं। तो कितना हो जाएगा? 7 4 11, यानी 11/7। कहने का मतलब, पहले तो था 7, लेकिन 11 क्या हुई है? बढ़ोतरी हो गई है। जब 7 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। समझ में बात आ गई ना। यानी पहले तो था 7, लेकिन 11 क्या हो गई है? बढ़ोतरी हो गई है। तो यानी कि 7 और प्लस 11 कितना हुआ? 18 हुआ। यानी कि 7 से कितना हो गया? 18 हो गया। एक और देखते हैं। अगर मान लो ये हमारा पहला पॉइंट, दूसरा ये तीसरा लेते हैं। तीसरे मान लो अगर दिया 158, क्या दिया हो? 158 सही 1/3% दिया हो। इसमें क्या हो रहा? इसमें भी इंक्रीजमेंट हो रहा हो। तो इसको फ्रैक्शन मान इसका क्या होगा देखिए आप। इसको क्या तोड़ेंगे? 100, 100 का 1 हो जाएगा, प्लस 58 सही 1/3%, इसका फ्रैक्शन मान क्या होता है? 7/12 होता है। 58 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान क्या होगा? 7/12 होगा। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे 12 आएगा, और 12 करना 12, 12 7 19, यानी कि पहले तो था 12, लेकिन 19 से क्या हो गई है? बढ़ोतरी हो गई है। तो 12 में जब 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। यानी कि 12 से क्या हो गया? 31 हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट मान लो चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट दिया हो अगर 225%, कितना? 225% में क्या कर दिया जाए? अगर इंक्रीमेंट कर दिया जाए, यानी बढ़ोतरी की जाए। पांचवा पॉइंट ले लिया जाए, अगर 6.25%, 6.25% इसमें आप क्या कर दें? इसमें डिक्रीजमेंट कर दें, यानी कि घटा दें, तब क्या होगा? और लास्ट सिक्स, लास्ट हम सिक्स ले लें, इसमें 83 सही, क्या? 83 सही, यानी कि 83 सही 1/3%, इसमें भी क्या कर दें? डिक्रीमेंट कर दें, यानी कि घटा दें। तो इनका फ्रैक्शन मान क्या होगा? उनको आप देखिए, 225% क्या होता है? अगर इसको तोड़ दें 200% प्लस 25%, तो 200 क्या होगा? 2 हो जाएगा, और 25 क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। हो जाएगा ना। 4 2 8 1 9, यानी कि 9/4
चार हो जाएगा, यानी कि पहले तो था चार लेकिन अब 9 की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 4 से क्या हो गया 13 हो गया। सेम अगर लिखा है 6 पॉइंट, यानी कि 6.25% क्या होगा डिक्रीजमेंट हो गया, यानी कि क्या हो गया घट गया है, तो इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा, इसका होता है 1/16 होता है, क्या होता है 1/16 होता है, यानी पहले तो था 16 लेकिन 1 की कमी आ गई, बचा कितना 15, बचा बचा कितना 15, और 83 से 1/3, इसका फ्रैक्शन मान क्या होता है 5/6 होता है, 5/6 होता है, यानी पहले तो था 6 लेकिन 5 ही क्या हो गई कमी हो गई, तो बचा कितना 1 बचा। उम्मीद करता हूँ हमने जो बताने की कोशिश की आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और ले लेते हैं, इसमें हम एक और ले लेते हैं, यानी कि 7 पॉइंट ले लें, अगर लिख दीजिए 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% क्या है घट गया, यानी कि डिक्रीजमेंट हो गया, इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा, इसको भी देख लीजिए आप, 8 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है 1/12 होता है ना, तो कहने का तात्पर्य क्या आएगा, यानी पहले तो था 12, यानी कि इनिशियल वैल्यू का मान कितना है 12, लेकिन 1 की कमी हो गई, बचा कितना 11, बचा बचा कितना 11। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन लगाते हैं इस पर, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, अगर लिया जाए यदि यदि किसी नंबर में, यदि किसी नंबर में 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% क्या कर जाए बढ़ोतरी की जाए, यानी कि इंक्रीजमेंट की जाए, करने पर है ना, पुनः वही प्राप्त करने के लिए, पुनः वही प्राप्त पुनः वही प्राप्त करने करने के लिए क्या पुनः वही प्राप्त करने के लिए, तो यानी कि पुनः वही अगर हम प्राप्त करना चाहें तो कितना परसेंट क्या करेंगे, तो कितना परसेंट डिक्रीजमेंट करना पड़ेगा। कह रहा क्या, यदि कोई नंबर है 66 सही 2/3% क्या करें, पहले उसको बढ़ा दें, इतना इंक्रीजमेंट कर दिए, तो पुनः हमें वही नंबर चाहिए भाई, वह नंबर प्राप्त करने के लिए हमें उसको कितना घटाना पड़ेगा या कितने परसेंट का उसमें हम डिक्रीजमेंट हमको करना पड़ेगा, वो चीज़ हमको निकालना है। तो देखिए आप सभी, 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है 2/3 होता है, 2/3 होता है, इतने क्या की गई है बढ़ोतरी की गई है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तो 3 था, पहले तो इनिशियल वैल्यू हमारी 3 थी लेकिन 2 की बढ़ोतरी हो गई, जो 3 में 2 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। अब कह रहा है हमें वही नंबर प्राप्त करना है, यानी कि जो शुरू में जो हमारा ये 3 नंबर था ना, इसी को हमको प्राप्त करना है, तो कितना घटाना पड़ेगा, बढ़ाने के बाद हो गया 5 ना, तो 5 जो जो ये हमारी क्या होती है इनिशियल वैल्यू होती है, ये इनिशियल वैल्यू होती है, ए वाली फाइनल वैल्यू होती है, फाइनल ये हमारा प्राथमिक मान होता है, ये फाइनल मान होता है। ओके, अब कह रहा है कि हमें वही प्राप्त करने के लिए, अब हो गया 5, तो 5 में कितना कम करना पड़ेगा, 5 में अगर 3 है ना तो कितना 2 की कमी होनी पड़ेगी, इधर 5 है तो कितने कमी करनी पड़ेगी हमें 2 की, किससे रिस्पेक्ट में 5 के रिस्पेक्ट में, हमें परसेंटेज मान पूछा है, इनटू 100 हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब आगे देखिए, 5 करना 5 और 20 पंचे 100, और 20 दूना 40 कितना है 40, यानी 40% में क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा वही नंबर प्राप्त करने के लिए। ओके, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। अब कह रहा है कि
12 सही 1/2%, क्या किया जाए, डिक्रीजमेंट कर दिया जाए। तो कह रहा पुनः पुनः वही प्राप्त करने के लिए, पुनः वही प्राप्त करने के लिए, पुनः वही प्राप्त करने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, प्राप्त करने के लिए कितना परसेंट क्या बना, अब बढ़ाना पड़ेगा, कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, है ना। देखिए इसको आप, यानी कि 12 सही 1/2% की क्या कही है, कमी की गई है। इसका फ्रैक्शन मान क्या होता है, 12 से 1/2, 1/8 होता है, कितना होता है 1/8 होता है। पहले तो था 8, लेकिन एक उसमें एक की कमी हो गई भाई, तो बचा कितना 7। अब कह रहा हमें यही नंबर, पुनः वही नंबर चाहिए, तो कितना घटाना पड़ेगा, कितना सॉरी कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो फाइनली 7 आया ना, तो 7 में कितना बढ़ा है यानी कितना घटा, 1, यानी कि लास्ट वैल्यू हमारी मान 7 आया और स्टार्टिंग वैल्यू जो थी, इनिशियल वैल्यू थी 8 थी, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें, 1 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, कितने की, 1 की, किसके रूप में, 7 के रेट में, यानी कि हम फाइनल वैल्यू से प्राथमिक वैल्यू निकाल रहे हैं, इंटू 7/100, 1/7%। इसका फ्रैक्शन परसेंट मान क्या होता है, 14.28 या 14 सही 2/7% होता है डायरेक्ट, क्योंकि पिछली वीडियो में हम सब बता चुके हैं कि अगर 14.28% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/7 होता है, या 1/7% का पूछे तो 14.28 लिख देंगे या 14 सही 2/7% लिख देंगे। इतने की हमें क्या करनी पड़ेगी, बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ओके आइए अब आते हैं सक्सेसिव पे। सक्सेसिव क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। सक्सेसिव केस क्या होता है उसके बारे में आइए आप समझिए। इसके कुछ नियम होते हैं जो हम नियम आप सभी को बताना चाहेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है कि लगातार कमी या वृद्धि, लगातार कमी हो या वृद्धि हो या इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट या बढ़ोतरी हो या कमी हो, इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो रही हो किसी एक डाटा पे, हो रही हो किसी एक डाटा पे, किसी एक डाटा पे। पहला पॉइंट समझिए आप, लगातार कमी हो या वृद्धि हो, लेकिन किस पे, किसी दो पे नहीं, किसी दो ऑब्जेक्ट पे नहीं, ओनली वन एक ऑब्जेक्ट पे, किसी एक पे कमी हो या बढ़ोतरी हो उस पे हम सक्सेसिव केस लगाएंगे। पहला पॉइंट हमें यह ध्यान रखना होगा, सक्सेसिव केस हम कब लगा सकते हैं, तो किसी एक नंबर पे बढ़ोतरी हो या कमी हो उस पे हम लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि रिमाइंडर पर परसेंटेज सक्सेसिव, रिमेनिंग मतलब शेष, यानी कह जाए कि इतने का या शेष भाग बचा या उतने का या शेष होगा, रिमाइंडर मतलब शेष, है ना, जो भाग में देखते हैं रिमाइंडर मतलब क्या होता है, शेष होता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, ये सारे कंसेप्ट जो है अगर इसमें नहीं क्लियर हो रहे हैं जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ज़्यादा आसान तरीके से क्लियर होंगे। अगर चौथा पॉइंट हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट यह जो है, यह हमें बुरी यानी कि डेसिमल जैसे लिखा हो 8 सही 1/3%, इस तरीके से कह रहे यह हमें बुरी यानी कि डेसिमल यानी कि 8 सही 1/3% या
57 सही 1/7% या 14 सही 1/7% पर, यानी कि अगर इसमें हम 8 सही 1/3% ऐसे अगर जब उठ पटाएंगे परसेंटेज आए उसमें सक्सेसिव का काफ़ी रोल अदा होता है, जिससे क्वेश्चन करने में काफ़ी आसानी होती है। यानी अगर बुरी परसेंटेज आए इस तरीके से उसमें इसका ज़्यादा यूज है। ओके नेक्स्ट चौथा पॉइंट देखिए आप, चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि एक ही वस्तु पर क्या एक ही वस्तु पर आदान आदान या प्रदान एक ही वस्तु पर आदान या प्रदान आगे हो रहा हो, एक ही वस्तु पर आदान या प्रदान हो रहा हो। चौथा पॉइंट है कि क्या ध्यान रखना है कि जब कोई वस्तु हो उसे भी क्या हो रहा है, उसी पर भी आदान या प्रदान हो रहा है, किसी दूसरी वस्तु नहीं। ऐसा नहीं कि हम किसी बकरी की बात कर लिए बाद में हम भैंस पे कर लिए, नहीं, एक ही वस्तु पे आदान या प्रदान हो रहा है, तहाँ तहाँ हम सक्सेसिव केस लगा सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ए से मान लो कोई वस्तु ए ने खरीदा, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने डी को बेचा, इस तरीके से अगर चल रहा हो, यानी कि एक ही वस्तु पर, यानी कि एक ही वस्तु की आदान प्रदान यानी खरीद बेच एक ही वस्तु की, उस पर हम क्या करेंगे उस पर सक्सेसिव केस लगाएंगे। ओके एंड एक और पांचवा पॉइंट हमारा क्या है, पांचवा पॉइंट हमारा कहता है कि जो है जो प्राइज है, प्राइज इंटू कंजम्पशन किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर के, यानी कि मूल्य इंटू खपत बराबर क्या हो गया, खर्चा हो गया, लिख दे रहे हैं। इससे मान लो मूल्य इंटू खपत, मूल्य इंटू खपत बराबर किसके होगा, खर्चा के बराबर, खर्चा के यानी कि ए ए इंटू बी, अगर ए को मूल्य मान लें और बी को खपत मान लें, ए इंटू बी बराबर क्या हो गया, सी हो गया। ओके है ना, इस पे लगा सकते हैं, यानी कि जब प्राइस यानी किसी मूल्य और खपत एक्सपेंड, इसमें भी क्या, इसमें भी सक्सेसिव केस का काफ़ी योगदान है। एंड लास्ट पॉइंट देखिए आप, पॉइंट नंबर 6, लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि एरिया, किसी की एरिया या वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, एरिया मतलब क्षेत्र, किसी की एरिया व वॉल्यूम में क्या हो रहा हो, वृद्धि या कमी हो रही हो, वहाँ पे क्या, वहाँ पे सक्सेसिव केस लगता है। जैसे मतलब स्क्वायर जैसे मान लो कोई स्क्वायर है यानी कि आयत है, स्क्वायर मतलब वर्ग, अगर वर्ग की एरिया जो है, वर्ग की एरिया बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना, अगर इसमें क्या हो, बढ़ोतरी हो, तो ए ए इसमें कितने बार आ रहा है, दो बार, तो इसको हम पहले मान लो कि पहला बार और दो बार, यानी कि इसको दो बार बढ़ोतरी करेंगे, यानी कि ए को एक बार और फिर ए को एक बार दो बार, इस तरीके से करेंगे। दूसरा पॉइंट अगर मान लो सर्किल है, क्या है, सर्किल है, सर्किल की एरिया निकाल लिया जाए, सर्किल की एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो ये जो हमारा पाई है ना, सक्सेसिव केस में पाई का कोई रोल नहीं होता है। पाई मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो ना, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो या नियत मानो, जैसे 1 2 3 4 या पाई, इनकी सभी क्या होती है, वैल्यू नियत होती है, तो इनको हम छोड़ देते हैं, इनको निगलेक्ट करते हैं। जो आर है, जो अनियत मान है, उस पर हम चर्चा करते हैं, यानी कि जो
अचर पद है ना, तो आर, तो इसमें आर स्क्वायर, आर कितने बार, दो बार आ रहा है, यानी कि एक बार वृद्धि करेंगे और एक बार और करेंगे, इस तरीके से दो बार करेंगे हम। ओके, अगर नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट मान लो अगर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इस किसका वॉल्यूम होता है, बेलन का होता है, अगर इसमें वृद्धि या कमी हो रही हो तो इसको किस तरीके से हम देखेंगे। इसे मान लो पहले आर, आर कितने बार आ रहा है, दो बार, तो आर को दो बार घट रहा है तो घटाएंगे, बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे, फिर लास्ट में एच है तो एच को एक बार करेंगे, एच को लास्ट में एक बार करेंगे, यानी कि आर को इस तरीके से और एच को भी इस तरीके से हम करेंगे। चलिए सारे डाउट हम आगे कन्फर्म करते हैं, आगे देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, इसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन ओके, ऐसे मान लो कोई इनिशियल वैल्यू है, क्या है, इनिशियल मान है, इनिशियल नंबर वन और फाइनल नंबर वन, यानी कि कोई मान लो कोई व्यक्ति है, यानी कि पहले ने इसको बेचा और फिर इनिशियल टू ने, यानी कैसे लगता है उसको देखिए आप, इनिशियल टू अगर फाइनल टू हो जाएगा, फिर इनिशियल थर्ड और फाइनल थर्ड, लास्ट में जो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी इसके बाद जो फाइनल मान आएगा तो किसका मान आता है, यानी कि इनिशियल वन का आता है, ये जो लास्ट मान आएगा इधर इनिशियल वन का आता है, इधर फाइनल थ्री का आता है। ओके, कह दीजिए मान लो पहले इतने की बढ़ोतरी कमी गई, फिर इधर बढ़ोतरी की गई, इधर बढ़ोतरी की गई, तो इधर जो आता है तो इनिशियल वन यानी कि प्राथमिक मान आता है और लास्ट में फाइनल थ्री का मान आता है। ये हमारी जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन का हम नाम क्या देते हैं, लाइन ऑफ कंक्लूजन, लाइन ऑफ कंक्लूजन। अब आइए इन पे क्वेश्चन लगाते हैं तो सारे डाउट आसानी से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर वन मान लो, क्वेश्चन वन मान लो कि कोई वस्तु का मूल्य है, यानी कि वस्तु का मूल्य, जो वस्तु का मूल्य है ना 20% क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, 20% की बढ़ोतरी हुई और 16 सहित 2/3% ये क्या हुई, कमी हुई। ओके, तो कह दिया जाए कि कुल वृद्धि या कमी बताएं, यानी कि कुल वृद्धि कमी कितनी होगी उसको बताना है, यानी कोई एक वस्तु है उसके मूल्य में अगर 20% की बढ़ोतरी की गई है और फिर 16 से 2% की घटौती की गई है तो उसका नेट इफेक्ट क्या आएगा, यानी कि उसका कुल वृद्धि या कमी है उसको हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम इसी का यूज करेंगे, जो हम इस चीज़ को बता रहे थे ना इसी का फाइनली यूज होगा। कैसे, आगे देखिए आप, 20% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/5 होता है, और 16 सहित 2/3% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 2/3 होता है, नहीं सॉरी 1/6 होता है, क्या होता है, 1/6 होता है। इसको देखिए आप, पहले क्या हुई, बढ़ोतरी हुई है ना, यानी कि पहले शुरू में 5 थी लेकिन कितनी हो गई, 1 की बढ़ोतरी यानी कि 6 हो गई, और फिर 16 सहित 2/3 इसका मान 1/6 होता है, यानी कि पहले तो 6 थी लेकिन क्या हुई भाई, कमी हुई, यानी कि 6 से जब 6 में एक कमी कितने बची, 5 बची, फिर इधर जो मान आएगा तो इसका आपस में क्या होगा, गुणा होगा, आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 6/5 30 यानी कि 1:1, यानी कि पहले भी 30 था और लास्ट में 30 हुआ, यानी कि 1:1 है,
यानी कि इसमें क्या है, कोई चेंजिंग नहीं, यानी कि नो चेंजिंग, क्या हुआ, नो चेंजिंग, यानी कि नो चेंज, उसके प्राइस में क्या हुआ, कोई कोई बढ़ोतरी नहीं हुई कि वो नहीं सोना की। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है, अगर इधर फाइव है, इधर फाइव है, इसको आसानी से काट सकते हैं, यानी कि अगर इस साइड में फाइव है, यानी कि इसको इस साइड से हम काट सकते हैं, इसको भी इस तरह से काट सकते हैं, तो यहाँ भी डायरेक्ट वन रेसो वन आ रहा था, तो यहाँ भी कह सकते हैं कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो कि 20% की 20% क्या हो, बढ़ोतरी हो, और फिर 14 सही 2/7% क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, है ना, और फिर 16 सही 2/3% क्या कर दिया जाए, बढ़ोतरी कर दी जाए, तो नेट इफेक्ट, नेट नेट इफेक्ट क्या होगा, आइए टोटल प्रभाव इस पर क्या पड़ेगा उसको आप देखिए। पहले 20% 20% फ्रैक्शन मान 1/5, यानी कि बढ़ोतरी, यानी कि 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, और 14 सही 2/7 इसका फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/7 होता है, यानी कि 7 से क्या हो गया, 8 हो गया, हो गया ना, यानी सॉरी 8 नहीं हुआ, क्यों, वो कमी हो रही है ना, तो जब इसका क्या होता है, 1/7 होता है, यानी कि था तो 7 लेकिन एक की कमी, कितना बचा, 6 बचा, यानी कि 7 से 6 हो गया। फिर 16 से 2/3 इसका फ्रैक्शन मान 1/6, यानी कि 6 तो था लेकिन बढ़ोतरी एक हुई, यानी कि 6 से 7 हो गया। अब आगे देखिए आप, जो उधर इधर 7 है इसको इस तरीके से हम काट सकते हैं, यानी कि इस 7 को इस 7 से हम काट सकते हैं, और इस 6 को इस 6 से हम काट सकते हैं, तो फाइनली नीचे क्या बचेगा, यानी 5:6, यानी 5 से 6 हो गया। तो वही हम कह रहे थे कि ये जो अगर इस तरीके से हो रहा है, बढ़ोतरी या कमी इस तरीके से हो रहा है, तो लास्ट में क्या आता है, इनिशियल मान आता है, लास्ट में फाइनल 3 का मान आता है, इससे उस वजह से ये जो आया है, यानी कि ए फाइव ए प्रारंभिक, यानी कि इनिशियल फर्स्ट इनिशियल वैल्यू आए फाइनल लास्ट इनिशियल लास्ट फाइनल मान आया, ओके, यानी 5 से क्या हुआ, 6 हुआ, ओके, यानी था तो 5, 5 से 6 हुआ, कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 की बढ़ोतरी हुई, किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, यानी कि 5 कहना 5, इधर 20 × 5 = 100, कितना आया 20%, 20% कमी हुई या बढ़ोतरी हुई, बढ़ोतरी हुई, यानी कि नेट इफेक्ट हमारा क्या आया, 20% क्या आई, बढ़ोतरी आई है। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, एक और क्वेश्चन ना देखते हुए, अगर हम एक नेक्स्ट सक्सेसिव मान की अगर बात करें, अगर अच्छी परसेंटेज हो, क्या अगर अच्छी परसेंटेज हो, ये तो सारी बुरी परसेंटेज हुई, है ना, उठपटांग परसेंटेज, तो इसको हम थोड़ी खराब परसेंटेज में गिनती करते हैं, अगर अच्छी परसेंटेज हो तो उस पर हम सक्सेसिव केस कैसे लगाते हैं। तो मान लो कोई एक्स की बढ़ोतरी हो रही है, एक्स ले लो, प्लस वाई की तो वाई ले लो, प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100, इस तरीके से आसानी से हम निकाल सकते हैं, यानी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान कितना हुआ, 100 हुआ। अगर इस पर एग्जाम्पल की बात की जाए, थोड़ा भाई एग्जाम्पल बताइए आप, तो देखिए अगर मान लो कि 15% क्या हो रही हो, बढ़ोतरी हो रही हो, ओके, और फिर 20% की भी क्या हो रही हो, बढ़ोतरी हो रही हो, है ना, तो हमें नेट इफेक्ट बताइए आप, यानी कि नेट इफेक्ट क्या होगा उसको हमें बताना है, यानी कि नेट इफेक्ट इसको निकालना, कैसे निकालेंगे, यानी कि 15, यानी कि x बराबर 15 मान लेते हैं, और प्लस 20, यानी कि पहले 15 की बढ़ोतरी हुई फिर 20 की, यानी 15 प्लस 20 और प्लस इनका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, बटे क्या, एंड हो जाएगा, 15-20 का योग 35, प्लस 15-20 का गुणा क्या होगा, 300 होगा, 300/100, 0 से 0 कट गया, तो कितना बचा, 35 + 3 कितना है, 38, नेगेटिव इफेक्ट हमारा क्या है, 38% क्या आई, बढ़ोतरी आ गई।
ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा फार्मूला किसके लिए है, अच्छे परसेंट के लिए है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू अपॉन 100, ये अच्छे परसेंट के लिए है। और सक्सेसफुल हमेशा क्या है, बुरी परसेंट के लिए काम आता है, बुरी परसेंट को काफ़ी इजीली तरीके से हम कर सकते हैं। अब आइए अगर एक और एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो लिखा हो कि 20% की, 20% क्या हो रही हो, बढ़ोतरी हो रही हो, ओके। अब फिर 15% क्या कर दीजिए, कमी कर दीजिए। अब इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर नेट इफेक्ट बताइए भाई, नेट इफेक्ट, यहाँ पर अगर नेट इफेक्ट निकालने कह दिया जाए, कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, आप पहले क्या करें, 20% यानी कि 20 हो गया, फिर एक क्या है, एक घट रहा है ना, तो माइनस आएगा, यानी कि जब कोई चीज़ घट रही है उसको क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, माइनस। अब यहाँ क्या होगा, प्लस हो गया माइनस होगा, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ क्या लेगा, माइनस लेगा, यानी कि 15 इंटू क्या आएगा, 20 आएगा, 15 इंटू 20 अपॉन 100, यानी 20 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा, माइनस 15 20 का इंटू 300/100। इसको अगर सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0, तो कितना बचा, 5 - 3 बराबर कितना, 2%। नेट इफेक्ट हमारा कितना आया, 2% आया ना, यानी 2% है ना, 2% आया, ओके। अगर इसके लिए अगर फार्मूला की बात करें, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। बन गया ना, इसके लिए बनेगा। अगर अगर कंटिन्यू दो दो में बढ़ोतरी हो रही हो, तो उसके लिए इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं हम। अगर एक में बढ़ोतरी या एक में कमी हो रही हो, तो उसके लिए हम इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आगे हम कुछ और देखते हैं। अब सीधे क्वेश्चन लगाते हैं, सीधे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ही लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन है उनको हम लगा लेते हैं। देखिए लिखा है कि एक आयत की लंबाई 18% की बढ़ाई गई, फिर उसे चौड़ाई 12% बढ़ाई गई, तो उसका क्षेत्रफल में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी, इसको निकालना है। आयत जो होता है भाई ना, आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, बिल्कुल। कह रहा 18% बढ़ाया गया, 18% का फ्रैक्शन मान कितना आएगा, 200 काट दें तो 50 आएगा, इधर 200 काट 9 आएगा, यानी कि 9/ कितना आया, 50 आया, यानी कि 50 से कितना हुआ, मेन तो 50 था, मेन तो 50 था, मेन तो 50 था भाई, लेकिन कितनी बढ़ोतरी हुई, 9 की, यानी कि 61 हो गया, ओके। अब आ गया 12%, 12% का फ्रैक्शन मान क्या आएगा, 3/ यानी कि 3/25 आएगा, क्या आएगा, 3/25 आएगा, यानी कि शुरू में कितना था, 25, लेकिन बढ़ोतरी 3 को कितना हो गया, 28 हो गया, इसके चौड़ाई में लाइन ऑफ कॉन्टूर खींच देते हैं। अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे, करिए आप सभी, 50 × 25 कितना आएगा, 25 × 5 = 100, 25 × 0 कितना आया, 1250 आया। जब हम 61 और 28 का गुणा करेंगे, जब हम अगर हम 61 × 28 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 1652 आएगा, कितना आएगा, 1652 आएगा, है ना। तो कितने की वृद्धि हुई, 1250 से कितना हुआ, 1652 हुआ ना, तो कितना आएगा, यानी कि इधर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 5 में 5 जाए 0 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा कितना, 4 बचेगा, यानी कि 402 बचेगा, कितना, 402 बचेगा किसके रिस्पेक्ट में, 1250 के, इंटू परसेंट निकालना है तो इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। आगे देखिए, 0 से 0 कट गया है ना। अब 5 से काटिए, 5 × 2 = 10,
इधर कितना बचा, 5 से काटेंगे तो 25 पंचे 100, इधर कितना 25 बचा बचा ना, तो ऊपर क्या बचा, यानी कि 402 ऊपर है, इधर इंटू टू, 402 इंटू टू कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि 804 हो जाएगा, ऊपर तो हमारा 804 हो जाएगा, और नीचे कितना बचा, केवल 25 बचा, नीचे 25। अब 25 से भाग करेंगे, 25 3 75, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, 25 से करना 25, और 25 तय कितना हुआ 75 हुआ, बचा 5 दे रहा है 54, 25 दूना 50 बचा 4, यानी 0.40, यानी 25 से करना 25 से करना 25 इंटू 150, यानी 25 छक्का 150, यानी कि 32.16%, यानी ऑप्शन नंबर सी दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, कह रहा है कि आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई है ना, और फिर चौड़ाई 10% कम, 10% चौड़ाई भी बढ़ाई गई, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, कितना 20%, यानी कि 20% मान 1/5, यानी कि 5 से क्या हो गया 6 हो गया, और 10% फिर बढ़ाई गई, यानी 10% 1/10, यानी कि 10 से कितना हुआ 11 हुआ, 10% फ्रैक्शन मान 1/10 होगा, और 20% फ्रैक्शन मान क्या होगा 1/5 होगा, यानी कि 5 से 6 और फिर 10 से 11। आइए देखिए, पान धाम कितना आया 50 हो गया, और गैर छंग कितना आया 66 आया, गैर छंग 66 आया, कितने की बढ़ोतरी हुई 50 66, यानी कि 16 की, किसे 50 के रेशियो इंटू 100, 50 करना 50, 50 दूना 100, 16 दूना कितना है 32, कितना है 32%, ऑप्शन नंबर सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, 20% बढ़ाई गई यानी 5 से 6 हो गई, और फिर उसकी चौड़ाई 10% कमी की गई, यानी कि इसका फ्रैक्शन मान 1/10 हुआ, यानी पहले तो 10 था लेकिन 1 की कमी, यानी कितना बचा 9 बचा, कितना 10 बचा 50 हुआ, और 9 6 54, कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में 50 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 इंटू 100, यानी 50 करना 50, और 50 दूना 100, यानी 4 दूना 8, 8% क्या हुई बढ़ोतरी हुई है, यानी 50 से 54 हुआ है ना, तो 8% क्या हुई बढ़ोतरी, यानी इंक्रीजमेंट हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ई दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या जो है 25% बढ़ाई गई, उसके परिमाण में प्रतिशत वृद्धि बताइए, उसके परिमाण में कितना वृद्धि हुआ उसको हमें निकालना है, तो परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्या होता है 2πr होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr होता है, तो हम पहले ही बता चुके हैं जो सक्सेसिव हमारा है ये जो कांस्टेंट मान है इसको हम हटा देते हैं, इस पर हमारा काम नहीं होता है, हमारा क्यों मान होता है जो अनियत मान है, जिसके मान फिक्स नहीं उसमें होता है, यानी कांस्टेंट मान पे हमारा काम सक्सेसिव केस नहीं लगता है, यानी केवल हम इस पर काम करेंगे, यानी कि आर कितना 1 है, यानी 25%, 25% फ्रैक्शन मान 1/4, यानी 4 से कितना हुआ था तो 4 लेकिन 1 की बढ़ोतरी, यानी कि 4 से कितना हुआ 5 हो गया, 1 की बढ़ोतरी 4 × 100 कितना आया 25% आया, अगर त्रिज्या 25% बढ़ेगी तो वृत्त का परिमाप भी कितना बढ़ेगा 25% ही बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, आप देख चुके हैं। नेक्स्ट कह रहा कि एक कार की गति 50% बढ़ाई गई और उसके द्वारा लिया गया समय में कितने परसेंट की कमी की जाए कि दूरी नियत रहे, हाँ दूरी नियत रहे, अगर स्पीड है स्पीड में कितनी 50% की, यानी 50 1/2, यानी कि 2 से क्या हो गई 3 हो गई, ये हमारी क्या हुई स्पीड हुई, ये हमारी क्या हुई स्पीड हुई 50%। ओके तो फिर छोड़ा देते हैं, मान लीजिए कि स्पीड कितनी है 50% की बढ़ोतरी की गई, 50% फ्रैक्शन मान 1/2 हो गया, हो गया ना। आगे देखिए आप, पहले जो स्पीड का काम कर रहे हैं, पहले तो थी 2 1 की बढ़ोतरी, यानी कि 3 हो गई, अब कह रहा है कि लिए गए समय में कितने परसेंट की क्या कमी की जाए, टाइम में कितना कमी की जाए, यदि जो है दूरी जो क्या नियत हो, यानी दूरी जो क्या कॉन्स्टेंट हो,
अगर स्पीड का रेशियो हमारा 2 से 3 हुआ है तो हमारा टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 से 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंट अपन टाइम, यानी कि जो स्पीड होती है ना वो समय के इनवर्स होती है, प्रोपोर्शनल टू इनवर्स होती है। अगर दूरी, अगर इस टाइम बढ़ाएंगे, अगर टाइम बढ़ाएंगे स्पीड कम होगी, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम होगी, एक दोनों आपस में क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। अगर स्पीड का रेशियो हमारा 2:3 है तो टाइम का जाएगा 3:2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन तो सॉल्व भी हो गया, कह रहा कितनी कमी की जाए, कमी करने को बोला, कितना परसेंट कमी होगी, यानी कि 2 से कितना कमी हुई, 1 की कमी हुई 2 से, यानी 3 से 2 हुआ ना, यानी कि 1 की कमी हुई 3 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे, 1/3% इसके इसके बराबर होता है 33.33% या 33 सही 1/3% इसके बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दैट इज करेक्ट आंसर। आगे कह रहा है एक सिनेमा घर में टिकटों की बिक्री जो है 30% कमी कर गई, 30% 30% का फ्रैक्शन मान 3/10, कह रहा भाई कमी कर दी गई है, यानी कि 10 से क्या हुआ 7 हो गया। तो टिकटों की कीमत में कितनी परसेंट की बढ़ाई जाए ताकि कुल कमाई में कोई बदलाव ना आए। तो हम सपोज कह रहे हैं कि एक्स से वाई कर दी जाए भाई, एक्स से वाई की क्या करें, बढ़ोतरी की जाए, जिससे हमारा रेशियो क्या 1:1 में बना रहे, जो कमाई जो है हमारी मेंटेन बनी रहे। तो यहाँ से एक्स और वाई का मान कितना आएगा, 7 से 10 आएगा, 7 से कितना आएगा 10 आएगा, कितने की बढ़ोतरी, 3 की बढ़ोतरी हुई है 7 के रिस्पेक्ट में into 100, 3/7%, 3/7 फ्रैक्शन मान कितने परसेंट के बराबर होता है, 42.86% के, या 42 सही 6/7% के, और 42.86 लिख दें या 42 सही 6/7% में, बात एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। हम डायरेक्ट क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं कि अगर 42 सही 6/7% है तो उसका फ्रैक्शन मान 3/7 होगा, या 3/7 का परसेंटेज, 3/7% में दिया उसका फ्रैक्शन, उसका परसेंट मान कितना होगा, तो इतना होगा, यह हम चीज़ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि चावल के मूल्य 25% बढ़ जाता है और उसकी खपत कितना परसेंट कम की जाए ताकि कुल खर्चा क्या हो सेम हो। अगर मूल्य कितना हो, बढ़ गया भैया 25%, यानी कि 1/4, यानी 4 से क्या हो गया 5 हो गया, खपत में कमी, हम मान लेते हैं एक से वाई कमी करते रहें, जब पता नहीं है तो हम सपोज कर ले रहे हैं, खर्चा हमारा क्या हो, कोई बदलाव नहीं, नियत रहे, यानी कि 1:1 में बना रहे। तो यहाँ से एक्स और वाई का क्या आएगा, 5 से 4 आएगा, कैसे, अगर यह चीज़ नहीं समझ में आ रही डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं तो कैसे, उसको देखिए, इसका आपस में गुणा होगा, यानी कि 4x आएगा इधर, 5y आएगा इधर, x/y लिख दिया जाए तो क्या आएगा, 5:4 आएगा, नहीं आएगा 5:4 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि x का मान क्या हो गया 5 हो गया और y का मान क्या हो गया 4 हो गया, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ से लिख दे रहे हैं, यानी कि 5 से 4, कितने की बढ़ोतरी हुई भैया, 1 की बढ़ोतरी हुई, किस पर, किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में into 100, 5 करना 5 और 20 पंचे 100, यानी कि 20%, कितना आया 20% आया। नेक्स्ट कह रहा है एक की, एक आयत की चौड़ाई 10% कमी कर गई और लंबाई में कितना बढ़ाया जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे, 10% कमी यानी कि 10 से 9 हुई है, 10 से 9 हुई है, तो कह रहा है कि उसके कितनी लंबाई में कितना कितना बढ़ाया जाए। तो आयत का जो क्षेत्रफल क्या होता है, L×B होता है, यानी कि लंबाई में चौड़ाई होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, उसको उनके जो क्षेत्रफल को अगर नियत रखना है तो हम मान लो एक्स से वाई कर रहे हैं, यानी कि एक्स से यहाँ वाई का रेशो कितना आएगा, 9 से 10 आएगा, यानी एक की बढ़ोतरी होगी, 9 के रेस्पेक्ट में into 100, 1/9 फ्रैक्शन मान किसका होता है, 11.11% इसका होता है, यहाँ पर ये 1 निकमिस कर दिया इस तरीके से, यानी कि 11.11%, ओके।
नेक्स्ट कह रहा है कि आयत की लंबाई 20 मिनट बढ़ाई गई यानी 5 से 6 कर दी गई, उसकी चौड़ाई कितना कम कर दी जाए, सेम क्वेश्चन, मान लो इतना कम कर दी जाए, उसके क्षेत्र में कोई बदलाव ना है, ठीक है भाई 1:1 में बना रहे, यानी पहले 1:1 था और लास्ट 1:1 था, यानी कितना हो गया अब एक्स से वाई का मान कितना आया, यानी कि 6 से कितना 5 हुआ, 1 की कमी हो गई, हो गई 6 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। 1/6 फ्रैक्शन मान किसके परसेंट के बराबर होता है, इसके होता है, इसके होता है, या फिर लिख दें 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% लिख दें, या 16.67 लिख दें, बात एक ही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, यदि हम किसी संख्या में क्या कर दें 62 जोड़ दें तो संख्या का मान जो है 20% बढ़ जाता है, 20% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है 20% 1/5, यानी कि थी तो 5 लेकिन 1 की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि 5 से क्या हो गई 6 की हुई, जब बढ़ जाती है यानी थी तो 5 लेकिन 1 की बढ़ोतरी यानी 5 से 6 हो गई, या 5 से 6 क्यों हुई, रीजन क्या रहा, ये जो 1 की बढ़ोतरी आई क्यों आई, क्योंकि हमने क्या जोड़ दिया, इस 62 को जोड़ दिया, जब हमने 62 को जोड़ा तभी तो 5 से 6 हुई, तो 1 रेशियो का मान कितना आया 62 आ गया। कह रहा हुआ संख्या बताइए, संख्या क्या थी 5 ही तो थी, यानी कि 62 इंटू, जब 1 रेशियो बराबर 62 है तो 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10 × 6 = 30, यानी कि 3 × 3 = 310 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर है दैट इज करेक्ट आंसर। चलिए आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत, अगर कोई त्रुटि रह रही हो तो माफ़ करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय भारत।